के विनर एनएस 125 है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाई डब्ल्यू बी ब्लॉग्स। तो आज देखो भाई, हमारे सामने खड़ी है एक तो पल्सर की एनएस 125 और एक खड़ी है अपाचे 160। तो एनएस 125 तो हमारा अभी एक साल पहले का ही मॉडल है, लेकिन अपाचे को हो चुके हैं 10-12 साल हो चुके हैं। तो आज हम करने वाले बेसिकली इन दोनों की ड्रैग रेस करने वाले हैं, 160 सीसी और 125 सीसी। तो 160 सीसी वैसे तो देखा जाए तो ज़्यादा पावर ही होगी, बाकी देखते दोनों में से कौन सी बाइक जीतने वाली है। और चलो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते हैं शुरू। तो चलो भाई, यहाँ से हम करने वाले अपना ड्रैग स्टार्ट। भाई रेडी? तो तीन हॉर्न देंगे फिर निकल जाएंगे। 1 2 3 भाई अपाचे आगे जाते हुए फिलहाल। एक्चुअली लॉन्च थोड़ा लेट हुआ था, वो भी एक रीज़न हो सकता है हारने का। तुझे पता है मेरा लॉन्च लेट हुआ था 1 सेकंड की डिले से। दोबारा करते हैं ठीक है। लॉन्च थोड़ा लेट हुआ था लेकिन फिर भी अपाची जीत गई। एक और करते हैं हम। 1 2 3 इस पर गाइस हमारा लॉन्च बिल्कुल भी साथ साथ हुआ देखा जाए तो। और अभी एनएस आ गया है, अपाचे अभी तो पीछे ही है, साथ साथ ही ऑलमोस्ट, मतलब ज़्यादा पीछे नहीं है। गाइस अपाचे क्रॉस कर दिए भाई, अपाचे क्रॉस कर दिए भाई। वैसे तो इस बार हमारा लॉन्च जल्दी हो ही गया है, लेकिन आप चले भाई का लॉन्च लेट हुआ था, लेकिन मेरे को लग रहा है वो क्रॉस कर जाएंगे। लेट्स सी, रोड ख़त्म होने से पहले कर पाते नहीं कर पाते। भाई कर गए भाई, क्रॉस कर गए, लेकिन भाई बहुत तेज़ हो गए थे एकदम, एकदम लास्ट में क्रॉस करिए जब हम रुकने थे करे। फिर वहाँ से एक लास्ट और करते हैं, फिर अब ड्राइवर चेंज कर लेंगे। तू ही देगा हॉर्न? भाई व्हीली पॉप हुई थी एनएस आगे जाते हुए फिलहाल, लेकिन मेरे को लग रहा है कि भाई अपाचे जीत गई भाई, अपाचे जीत गई भाई, अपाचे लॉन्ग रन में जीत ही जा रही है। तो भाई अभी हमने कर लिया ड्राइवर चेंज, मैं आ गया अपाचे पे, भाई आ गए एनएस 125 पे। अब करते दोबारा स्टार्ट, तीन हॉर्न मैं दूंगा। 1 2 3 अपाचे का लॉन्च है भाई, बढ़िया हुआ इस बार हम दोनों के साथ साथ हुआ, लेकिन अपाचे आ गए अभी, एनएस बहुत पीछे है और हमारी अपाचे ऑलमोस्ट 90 स्पीड इसमें जीत गया भाई। अपाचे जीत चुके गाइस, एनएस हार गई। हालांकि मेरे को उम्मीद थी कि अपाचे इनिशियल में NSX इनिशियल में आगे रहेगी, लेकिन फिर भी हार गई। भाई क्या, भाई ये क्या हुआ, तुम हार कैसे गए? पता नहीं भाई, भाई ये एक लास्ट रेस होने वाली है NS 125 वर्सेस अपाचे 160। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एनएस आगे है, अपाचे पीछे है, देखते हैं अपाचे भी क्रॉस कर पाती नहीं कर पाती। नहीं अभी एक्चुअली लॉन्ग रन में अपाचे क्रॉस कर जाती, बट आगे ट्रैफिक आ गया। एक लास्ट कर लेते हैं फिर यहीं से वापसी की, फिर वीडियो कर देंगे एंड कंक्लूजन के साथ। तू आगे निकलने वाला था, हाँ ये लास्ट है फिर करते हैं एंड। लॉन्च लेट हुआ पाचे वाले का, लेकिन इस पर देखते लॉन्ग रन में निकल जाएगी जहाँ पे मेरे को लगता है। हमारी भाई एनएस 80 टच करने वाली है और यह पाचे हमको ओवरटेक कर रही है।
वैसे तो यार ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे क्योंकि अपाच 160 सीसी और ये एनएस 125। तो भाई लॉन्ग रन में देखा जाए तो अपाच जीत रही है और इनिशियल में देखा जाए तो एनएस 125 जीत रही है क्योंकि इसका इनिशियल अच्छा है और उसका लॉन्ग रन पोटेंशियल अच्छा है। तो वैसे विनर अपाचे है लॉन्ग रन की, लेकिन इनिशियल की विनर एनएस 125 है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।